सीतापुर में पंचायत की जो मतगणना है वो काफी लेट से शुरू होने के चलते नतीजे भी काफी लेट आ रहे हैं। इस बीच जो मतगणना एजेंट से लेकर गांव के लोग समर्थक हैं उनमें अजीब उहापोह की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि 3 बज चुके हैं, उसके बाद भी 3 क्या आप 4 बज चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक नतीजे नहीं आ रहे हैं सामने। हर गांव में अब 3 ग्राम पंचायतों के नतीजे सामने आए हैं। आइए हम चलते हैं सीधे वहां, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं आई इंडिया के संवाददाता अनूप रस्तोगी, उनसे जानते हैं कि जो नतीजे आए हैं वो किन ग्राम पंचायतों के आए हैं और कौन विजयी हुआ है और किसको परास्त किया है। जी सर, हेलो जी, जी बताएं सर। हमारे यहाँ 82 ग्राम पंचायतें हैं हर गांव विकास खंड में, और बहुत लेट मतगणना यहाँ शुरू हुई, लगभग 11:30 बजे यहाँ मतगणना शुरू हुई, और अभी तक जो है 3 रिजल्ट आए हुए हैं, जिसमें से झरिया ग्राम सभा से रामदेई जीती हैं, उनको 298 मत प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आदित्य यादव को हराया है, 248 मत आदित्य यादव को प्राप्त हुए, उन्होंने 50 वोटों से अपनी जीत दर्ज की है। दूसरा रिजल्ट जो आया है वो कटका ग्राम सभा का आया है, कटका में शशि यादव ने जीत हासिल की है, उनको 742 मत मिले हैं। और सर आपको बता दें कि जो हमारे यहाँ के सपा नेता है लाल सिंह यादव, उनकी बहू लड़ रही थी यहाँ से रिसा यादव, उनको 468 मत मिले हैं और 273 वोटों से शशि यादव ने जीत हासिल की है। और तीसरा रिजल्ट आया है नया गांव फिरोजपुर का, वहां पर कुलदीप सिंह ने जीत हासिल की है, उनको 538 मत मिले हैं, और राजेश सिंह वहां से लड़ रहे राजेश राज लड़ रहे थे, उनको 405 मत मिले हैं, और नागेंद्र सिंह जो प्रधान संघ के अध्यक्ष थे उनको 375 मत मिले हैं। इस तरह से कुलदीप सिंह 133 मतों से विजयी घोषित किए गए हैं। तो 3 नतीजे आ चुके हैं अब तक हर गांव में प्रधान पद के, और इसकी ताजा अपडेट आपको हमारे संवाददाता जो हैं वहां पर अनूप रस्तोगी वो बता रहे थे। अगर हम बात करें वहां पर क्या इंतजामात हैं, किस स्तर पे लापरवाहियां की गई हैं? सर जैसा कि बता दें आपको कि यहां पर अभी आधिकारिक पुष्टि तो एक भी नतीजे की नहीं हुई है, मतलब 4 बजने को है, आधिकारिक रूप से एक भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो प्रत्याशी जीत गए हैं वो सब जो है उनका जो है उन्होंने अपना अपना बताया है, और आधिकारिक पुष्टि अभी किसी की भी नहीं हुई है। और इंतजाम की बात कर दें तो भीड़ भाड़ तो कम है यहाँ पर, उन्हीं लोगों को आने दिया जा रहा है जिनके गांव की मतगणना है, लेकिन मतगणना इतनी धीमी है कि 4 बजने को है, आधिकारिक रूप से एक भी रिजल्ट अभी नहीं आ सका है। अनूप जी एक बार फिर दर्शकों के लिए बता दीजिए कि जो लोग जीते हैं उनकी ग्राम पंचायत और उनके नाम एक बार फिर से। झरिया से रामदेई जो है जीती हैं 50 वोटों से, कटका ग्राम सभा से शशि यादव जीती हैं 273 वोटों से, और नया गांव फिरोजपुर से कुलदीप सिंह जीते हैं 133 वोटों से। चलिए आगे जैसे भी ताजा अपडेट आती है हम फिर एक बार आपसे संपर्क करेंगे, आप अपना ख्याल रखिए और जैसे ही जानकारी मिलेगी फिर दर्शकों को आपके माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।